myself Narendra Pramani, and I was appointed as center superintendent by district administration. Kya hua tha, on 29 June DC ka taraf se ek to recommendation bheja hai college ko ki APSSB ka exam hone wala hai, aap jo hai ye DC ka taraf se aaya hai ki aap प्रिंसिपल को पूछ रहे हैं कि आप एक सेंटर स्टूडेंट का नाम को प्रपोज करो और दो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का और 75 इन्विजिलेटर का नाम को रिकमेंड करो, प्रिंसिपल को पूछा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम लोग का कॉलेज से प्रिंसिपल जो है वो मेरा नाम को सेंटर सुपरिटेंडेंट फॉरवर्ड किया। किस लिए मेरा नाम को फॉरवर्ड किया, क्योंकि प्रीवियसली मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स होता है, ये सब कम्पिटिटिव एग्जाम, वो हम ही कंडक्ट, इवन APCS UPSC का जो एग्ज़ाम है वो हम कंडक्ट कराया, APCS का जो प्रीलिम्स है मेंस है सब हम कंडक्ट कराया, इवन APCS का जूनियर एग्जाम भी जितना हुआ था वो हम कंडक्ट कराया, और APSSB का जो 21 मार्च में एग्जाम हुआ था उसको भी हम एज ए सेंटर सुपरिटेंडेंट कंडक्ट किया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल जो है 1 जुलाई को एक DC को रिकमेंडेशन देता है बाई मेरा नाम एज ए सेंटर सुपरिटेंडेंट एंड दो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और फंक्शनल MTS स्टाफ, एंड देन उसमें सिंस वो रिकमेंड प्रिंसिपल का जो रिकमेंडेशन DC ऑफिस से जो लेटर आया था उसमें इन्विजिलेटर को भी देना था और उसमें इन्विजिलेटर को नहीं दे पाया उस दिन, इसलिए बिकॉज हम लोग का कॉलेज जो है वेकेशन हो गया था, हम गुवाहाटी चला गया था, तो DC ऑफिस से हमको शाम को अराउंड 5 बजे फ़ोन आया नोडल ऑफिसर से कि सर आप ऑन 4 जुलाई को अराउंड 5 PM हमको फ़ोन आया कि आप जो है इन्विजिलेटर का नाम को आज ही दे दीजिए विद इन 2 आवर्स में। तो हम बोले सर आप तो गुवाहाटी में पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर भी वो बोला नहीं जैसे बोले सर दे दीजिए। तो हम यहाँ में कॉन्टैक्ट किया जितना मेरा फैकल्टीज है, और हम लोग का जो समर वेकेशन चल रहा है, समर वेकेशन की वजह से हम लोग का मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज ऑलमोस्ट 90% फैकल्टीज वेकेशन में है, समर वेकेशन में है, तो हमको जितना मिला है सिर्फ 10 मिला है, इसी की वजह से 10 मिलने के बाद में बाकी जो है नहीं मिला, क्योंकि 75 चाहिए और मोर ओवर हम लोग का कॉलेज में टोटल इन्विजिलेटर है 71 हम लोग का कॉलेज में टोटल फैकल्टी है 74, उसमें से 11 मिल गया, तो बाकी 65 तो वेकेशन में है, तो इसी वजह से और बाकी 65 चाहिए हमको, तो इसीलिए हम DC ऑफिस में आप बर्बेली बात किया कि प्राइवेट टीचर जो है ये लोग बहुत एक्सपीरियंस है, आप लोग APSSB का पहले एग्जाम भी किया है और ये लोग सब एग्जाम में करते रहते हैं, उसमें से बहुत क्वालिफाइड भी है, तो उनका बेसिस का थ्रू प्रिंसिपल हम रिकमेंडेशन को भेज दिया प्रिंसिपल का थ्रू से, क्योंकि DC जो है प्रिंसिपल को बोला है रिकमेंडेशन करने के लिए, हम तो आई एम नॉट द रिकमेंडिंग अथॉरिटी, तो प्रिंसिपल को भेज दिया। भेजने के बाद में DC ऑफिस क्या करता है, ऑन द 6 जुलाई DC जो है अपॉइंटमेंट लेटर इशू करता है एज ए सेंटर सुपरिटेंडेंट, हमको दो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और 75 इन्विजिलेटर को 6 जुलाई को अपॉइंटमेंट इशू कर रहे थे। एट द सेम टाइम यहाँ पे नीचे में लास्ट लाइन में एक लाइन लिखा है इसमें कि जो इन्विजिलेटर है अलोंग विथ सेंटर सुपरिटेंडेंट एंड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एंड अलोंग विथ इन्विजिलेटर वो लोग 9 जुलाई को ट्रेनिंग के लिए बुला रहा है DK कन्वेंशन सेंटर में और 9 जुलाई को ट्रेनिंग में हम लोगों को बुला रहा है। ठीक है, हम लोग सब इन्विजिलेटर भी गया, क्योंकि इन्विजिलेटर का ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो चुका है, तो हम सेंटर सुपरिटेंडेंट हम तो नहीं गया था, तो उसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट और इन्विजिलेटर जो है सब गया है। जाने के बाद में ऑन द डे ऑफ ट्रेनिंग दैट इज ऑन 9 जुलाई ये सेंटर सुपरिटेंडेंट को मैनुअल दिया है फ्रॉम APSSB, इसमें यहाँ में एक क्लॉज वो लोग लिखा है कि सेंटर सुपरिटेंडेंट शैल प्रोवाइड नेम ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम हिज और हर इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे फिर एक लाइन मेन लाइन लिखा है हाउएवर टू द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, हाउएवर द अपॉइंटमेंट शेल बी ऑफ द डिस्क्रिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। तो हम ऑन द बेसिस ये तो ऑलरेडी इन्विजिलेटर का अपॉइंटमेंट हो चुका है ऑन 6 जुलाई और ये दे रहा है 9 जुलाई को, तो जिसमें ऑलरेडी इन्विजिलेटर का ट्रेनिंग हो रहा है जो हॉल में, उसमें इन्विजिलेटर को भी मैनुअल दिया है वो लोग और इसमें सेंटर स्पॉइंट को मैनुअल दिया है कि सिंस एग्जाम टाइम आ गया और कोविड के लिए फैकल्टी नहीं है, जो हम लोग का कॉलेज में भी बहुत कोविड स्केयर था, इसलिए जो भी फैकल्टी थोड़ा मोड़ा था वो लोग ड्यूटी करना रिलेक्टेंट है, इसलिए घर में छोटा बच्चा है, तो इसीलिए हम किसी को तो फोर्स नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम लोग का कॉलेज में जो अवेलेबल रिसोर्सेज था 11 प्लस जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स है उन लोग, क्योंकि वो लोग भी पहले भी जो 21 मार्च में जो APSSB का एग्जाम हुआ था उसमें भी वो लोग मोस्ट ऑफ द फैकल्टी इन्विजिलेटर जो ड्यूटी किया है,
एपीसीएस एग्जाम में भी वो लोग हमेशा ड्यूटी करता है, यूपीएससी एग्जाम में ड्यूटी करता है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट हो गया, सबका अपॉइंटमेंट जो है 6 जुलाई को हो गया, 9 जुलाई को ये मैनुअल देता है, उसमें बोलता है कि उस दिन रेकमेंड करो, उसका बाद में सेंटर स्टूडेंट को रेकमेंड करने के लिए बोल रहा है। लेकिन हालांकि ऑलरेडी इंडिविजुअल का अपॉइंटमेंट हो गया है और इंडिविजुअल का ट्रेनिंग भी चल रहा है उस हॉल में। तो देन एग्जामिनेशन 17 का जो एग्जाम, 2 दिन एग्जाम था, 17 जुलाई एंड 18 जुलाई। तो 17 जुलाई तो बहुत पीसफुली एग्जामिनेशन हो गया, 18 जुलाई भी एग्जामिनेशन चल रहा था। तो अराउंड 1 घंटा बाद में एग्जामिनेशन जो 10 बजे से स्टार्ट हुआ है, 10 बजे से स्टार्ट होने के बाद में 1 घंटा बाद में एक रूम से कोई इन्विजिलेटर आके हमको रिपोर्ट किया कि एक कैंडिडेट जो है जाना चाहता है बिकॉज वो कोविड का सिम्टम फील कर रहा है। तो हम और ऑन ड्यूटी मजिस्ट्रेट इमीडिएट दौड़ के गया रूम में, जाने के बाद में हम उसको लेके आइसोलेटर रूम में पहले बैठा है, बैठाने के बाद में हम डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर आ गया, डॉक्टर आके उसको चेकअप किया। चेकअप करने के बाद में डॉक्टर बोला हमको, नहीं ये ठीक ही है, कोविड सिम्टम नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत बारिश था, मोस्ट ऑफली बारिश में भीगा है, इसीलिए वो थोड़ा खराब माने तबीयत जो है खराब फील कर रहा है। देन तो उसको ठीक 11:30 माने 1 घंटा 1.5 घंटे पार होने के बाद में रूम नंबर 25 से एक इन्विजिलेटर आके इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट हमको बोला है कि सर हम लोगों का रूम में एक कैंडिडेट जो है मोस्ट ऑफली मोबाइल यूज़ कर रहा है, क्योंकि वो बहुत लूज ड्रेस पहन के रखा है, हम लोग सामने जाने से वो आराम से लिखते हैं लेकिन दूर से दिखने से लगता है हम लोग कुछ यूज़ कर रहे हैं। तो हम और मजिस्ट्रेट चला गया उस रूम में, जाने के वक्त में उसका इन्विजिलेटर, 4 इन्विजिलेटर था उसमें, और इन्विजिलेटर और 4 उसमें इन्विजिलेटर का बाद में बता देता हूँ। उसमें इन्विजिलेटर जो था एपीएससीज भी ओनली है, जो उन लोगों का रूल है कि जो रूम में डिप्लॉय होगा इन्विजिलेटर वो थ्रू लॉट होगा, लॉटरी के थ्रू होगा। लॉटरी की वजह से क्या हुआ, हम लोग का कॉलेज का जो फैकल्टी था, एक्सपीरियंस फैकल्टी था, वो लोग भी नहीं दे पाया, इसलिए लॉटरी में उसमें अनफॉर्चुनेट में 4 प्राइवेट टीचर का ही नाम आ गया। इवन नेक्स्ट रूम में हम लोग का कॉलेज का फैकल्टी था लेकिन लॉटरी की वजह से उसमें 4 जो है प्राइवेट टीचर्स आ गया। देन जाके इन्विजिलेटर जो है एक फर्स्ट एक लड़की को, एक कैंडिडेट को दिखाया, दिखाने के बाद में मजिस्ट्रेट लेकर उसको खुद जाके सर्च किया एक रूम में, तो उसके पास में कुछ नहीं मिला। देन और एक जो पीछे का तरफ में बैठा था, हॉल का एकदम पीछे, वो बहुत बड़ा हॉल था, हॉल का एकदम बैक साइड पीछे का तरफ में बैठा था, तो उसमें वो लड़के को दिखाया, वो कैंडिडेट को दिखाया। तो हम दोनों मजिस्ट्रेट तो रूम के अंदर में नहीं गया, हम वो कैंडिडेट को बाहर लेके आए, और सिंस फीमेल कैंडिडेट है मजिस्ट्रेट को बोला आप ही इसको सर्च कीजिए। तो मजिस्ट्रेट क्या किया, उसको 2 फिशिंग टीम का 2 कांस्टेबल को बुलाया, बुलाने के बाद में वो एक आइसोलेटेड रूम में उसको सर्च किया। सर्च करने के बाद में 10 या 15 मिनट्स के बाद में वो लोग रूम से बाहर निकाल के हमको बोला है कि सर उसके पास में मोबाइल है। तो हम तुरंत मोबाइल को स्नैच किया एंड देन उसको बोला है कि तुम जाके अभी रूम में लिखते रहो, बिकॉज हम रूम उसको सेंटर से बाहर नहीं कर सकते, बिकॉज एपीएससी का रूल है कि ड्यूरिंग दिस एग्जामिनेशन पीरियड नो वन इज अलाउड टू हॉल लीव दिस एग्जामिनेशन सेंटर, इसलिए हम उसको बाहर नहीं भेज सकते हैं। सो हम उसको बोला तुम जाके लिखो, लिखने के बाद में इमीडिएट आके हमको रिपोर्ट करो ऊपर। तो यहाँ पे ये सेल में ऑब्जर्वर था अर्जुन मोहन, मिस्टर अर्जुन मोहन ऑब्जर्वर था, उनका हाथ में आपको मोबाइल दे गया, सामने में कोऑर्डिनेटर भी था, मजिस्ट्रेट भी था, तो मोबाइल जो है उनका पास में ही था। 11:50 से लेकर 1 बजे तक उसका पास में ही था, 12 बजे से लेकर उसका 1 घंटा तक उसका पास में था। तो जब एग्जाम खत्म हो गया, जो कैंडिडेट आया, आने के बाद में हम लोग उसको बोला तुम पैटर्न लॉक को खोलो, क्योंकि मोबाइल हम लोग चेक नहीं कर पा रहा था कि उसमें मोबाइल पैटर्न लॉक था, इसलिए हम लोग मोबाइल को चेक नहीं कर पा रहा था। देन जब एग्जाम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम जब कैंडिडेट यहाँ पे आया, आने के बाद में हम लोग को बोला पैटर्न लॉक को खोलो, तो खुलने के बाद में वी हैव सीन दैट उसका माने ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, ट्रांजेक्शन हुआ है। ट्रांजेक्शन कब स्टार्ट हुआ है, यहाँ से जो ट्रांजेक्शन कब स्टार्ट हुआ है, जब एग्जामिनर जो इन्विजिलेटर है वो एक्सट्रीमली बिजी रहता है, बिकॉज फर्स्ट 1 आवर जो बहुत क्रूशियल है, बिकॉज उसमें बहुत फॉर्मेलिटीज़ होता है, और हम एवरी इन्विजिलेटर को हम क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए आप लोग थोड़ा धीरे धीरे अटेंडेंस लीजिए, बिकॉज OMR जो है वो मैं APSSB का इंस्ट्रक्शन है, विद एनी सर्कमस्टेंस OMR जो है रिप्लेस नहीं होगा। तो इसलिए हम बोला आप लोग का तरफ से कुछ भी गलती मत नहीं होना चाहिए जिसके कारण से हमको OMR रिप्लेस करना पड़ा, इसलिए आप लोग बहुत केयरफुली कीजिए, उसमें प्रेजेंट एब्सेंट ये सब डाटा फिलअप करने में AORK के सबसे बड़ा हॉल था, वो 1 घंटा लग गया, 1 घंटा बाद से तो उस ड्यूरिंग दिस 1 आवर वो किया क्वेश्चन को भेजा यहाँ से, उसके बाद में वहाँ से आंसर आते रहा। जब ऑब्जर्वर का हाथ में मोबाइल था तब भी आंसर कंटिन्यूसली आ रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर तो मोबाइल का हाथ में था, थर्ड पार्टी को पता नहीं कि मोबाइल सीज हुआ है बोल के। जब उन लोगों को भी शायद फील हुआ है कि मोबाइल रिप्लाई वहाँ से नहीं आ रहा है, तो शायद मोबाइल पकड़ा गया क्या, तो इसीलिए 12:30 के बाद से और ट्रांजेक्शन नहीं हुआ।
तो इमिडिएटली जो इन लोगों का जो APSSB का जो SOP है कि FIR करना है, तो तुरंत हम बिफोर FIR हम तुरंत नोडल ऑफिसर को पहले फ़ोन किया, इन्फॉर्म किया, और जो APSSB का जो अंडर सेक्रेटरी है अंडर सेक्रेटरी को भी फ़ोन किया था। फ़ोन करने के बाद में तो वहाँ से तो इन लोगों का जो SOP है कि FIR देना है था पुलिस स्टेशन में, तो तुरंत हम ईटानगर पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, OC आ गया। OC आने के बाद में यहाँ पे हम OC को FIR दे दिया। बाकी जो फॉर्मेलिटीज है, मोबाइल फ़ोन सीजिंग लेना है, देन अंडरटेकिंग लेना है, तो एवरी फॉर्मेलिटीज़ करके लड़की को कैंडिडेट को वो लोग अरेस्ट करके लेके चला गया। तो हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का फॉर्मेलिटीज़ है मैंने पैकिंग वैकिंग वो सब करके जो कैंडिडेट का कॉपी है वो हम लोग अलग से, क्योंकि वो स्ट्रे केस हो गया इसलिए उसको हम लोग अलग से पैकिंग करके उसी में दिया, लेकिन सीलिंग जो है उसका अलग से हुआ है, उसको भेज दिया। भेजने के बाद में अराउंड 2:30 एक बजे एग्जाम खत्म हो गया, अराउंड 2:30 हमको पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि सर आपका जो मोबाइल सीज किया था वो आप थाना में हैंडओवर कर दीजिए। तो हम बोले वो मोबाइल तो ऑब्जर्वर के पास में है, तो ऑब्जर्वर के पास में हम बोला सर वो मोबाइल हमको दे दीजिए बिकॉज आई हैव टू सबमिट इन द पुलिस स्टेशन। तो वो बोले ना समबडी हैज इंस्ट्रक्टेड मी नॉट टू गिव दिस मोबाइल फोन टू एनीवन, हमने देन लेट्स गो टू पुलिस स्टेशन। तो भी गया मेरे साथ, वो अपना गाड़ी से गया, मैं अपना गाड़ी से गया। जाने के बाद में थाना में उसको हैंडओवर किया, हैंडओवर करने के बाद में मेरा जो स्टेटमेंट है हम पुलिस स्टेशन में देख के आ गए। एंड देन अराउंड 6:30 हमको APSSB ऑफिस से एक फ़ोन आया अंडर सेक्रेटरी मैडम का थ्रू से कि सर आपको सेक्रेटरी सर बुला रहे हैं। तो हम बोला कि मेरा तो अभी व्हीकल नहीं है, हम अभी थोड़ा जाने के लिए मुश्किल का, बोला सर हम लोग यहाँ से व्हीकल भेज रहे हैं। तो हमको व्हीकल भेजा, हम गया। जाने के बाद में तो हमको सेक्रेटरी एक्सप्लेनेशन मांगा, तो हम एक्सप्लेनेशन बोल दिया। तो बोला वहाँ में कौन ड्यूटी था, तो प्राइवेट टीचर था, क्यों था, हम सब एक्सप्लेन जैसे का प्रूफ बोला। तो एक्जैक्टली सेम इन्फॉर्मेशन को हमको दिया है, क्योंकि उसमें तो बोला उसमें प्राइवेट टीचर, बोला सर लॉटरी का थ्रू, लॉटरी हम लोग का कॉलेज का भी फैकल्टी था, इधर नेक्स्ट रूम में हम लोग का कॉलेज का फैकल्टी था, क्योंकि सिंस लॉटरी हुआ है लॉटरी के वजह से वहाँ में प्राइवेट टीचर सब आ गए। और मोबाइल जो है मोबाइल नेटवर्क काम कर रहा है, उसमें जैमर था, जैमर वाज इंस्टॉल बाय APSSB अंडर सेक्रेटरी APSSB, उसमें मेरा कुछ रोल नहीं है। और फिस्किंग टीम जो है अपॉइंट किया था DC, उसमें मेरा कुछ रोल नहीं, आई हैव नो रोल। फिस्किंग टीम DC अपॉइंट किया था, DC फिस्किंग हो गया, फिस्किंग हो गया, अपॉइंटमेंट जो DC किया है, एंड देन जैमर जो है जैमर उसमें बाद में देखा है कि वो रूम का जैमर काम नहीं करता, तो जैमर तो हम क्योंकि जैमर उसमें हम चेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि APSSB हम लोगों ट्रेनिंग का दिन में हम लोगों को बोला है कि आप लोग जो है आप लोग किसी का मोबाइल यूज़ नहीं करना है। तो हमको एक मैनुअल फ़ोन दिया है जो नॉन एंड्रॉयड वाला फ़ोन है उसको दिया है, एग्जाम का दिन में सिर्फ आप ये फ़ोन को यूज़ करेगा और इसमें से हम लोगों को खाली कम्युनिकेशन करना है कि कितना प्रेजेंट है, कितना एबसेंट है, क्या क्या स्टेटस है। तो इसलिए हम मोबाइल तो वो मैनुअल फोन में तो इंटरनेट चेक नहीं कर सकते, तो इसलिए हम मुझे पता नहीं उसमें नेटवर्क काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैमर तो APSSB इंस्टॉल किया है, एंड देन उसको हम जितना एक्सप्लेनेशन से हम सब दे के आ गया। उसका बाद नेक्स्ट DC जो है DC एक इंक्वायरी कमेटी मैंने ये किया है विद ADC हेडेड बाई ADC ईटानगर। तो देन ऑन 21st जुलाई ADC जो है कॉलेज में आया, आने के बाद में हमको इंटरोगेट किया, हमको सब पूछा है, देन हम रूम में बोला सर वो रूम में लेके चले। तो हम रूम में लेके गया, तो लड़की कैंडिडेट जो है कहाँ पे बैठा था, उसका सीट कहाँ पे था, जैमर कहाँ में था, कैमरा कहाँ में था, सब कुछ हम उसको एक्सप्लेन किया और फिर डिटेल प्रोसीजर को भी उनको बता दिया क्या क्या हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ADC रिपोर्ट DC जो है तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस DC जो है ये हमको एक DC क्लीन चिट देता है। DC बोल रहा है कि यह हमें बोल रहा है कि नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ सेक्टर सुपरिटेंडेंट कुड नॉट बी एस्टैब्लिश बट इट इज रदर हिज एफिशिएंसी कुड हैंडल द सेफ द डे। DC हमको एक क्लीन चिट दे रहा है ऑन 22nd जुलाई। और ये जो प्राइवेट टीचर्स है, प्राइवेट टीचर जो वो लोग तो अपना ड्यूटी तो वो लोग अपना परफेक्ट एक्जैक्टली एफिशियंटली अपना ड्यूटी किया है, उसका जगह में गवर्नमेंट टीचरों से वही काम करना था जो प्राइवेट टीचर किया है, क्योंकि प्राइवेट टीचर जो नकल पकड़ना तो उसका काम है, वो नकल पकड़ के हमको साथ साथ इन्फॉर्म किया, हम प्रॉम्प्टली FIR लॉस करके अरेस्ट करा दिया। तो उसमें प्राइवेट टीचर की क्या गलती है, उसमें उसका जगह में एक प्राइवेट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट टीचर अगर हमको कॉलेज का एक फैकल्टी होने से भी फैकल्टी भी वही काम एग्जैक्टली वही काम करना था जो प्राइवेट टीचर किया है। और वो लोग इतना वेल एक्सपीरियंस है, पहले भी APSSB एग्जाम में किया है, APCS एग्जाम में किया है, UPSC एग्जाम में इन्विजिलेशन ड्यूटी करते हैं, तो उसमें तो हम लोग का एक फैकल्टी होने से भी वही काम करना था। तो उसका तो उस इसमें तो प्राइवेट टीचर का कोई फॉल्ट नहीं है, ना तो मेरा कुछ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस 9 सितंबर को सस्पेंशन लेटर हमको एक सस्पेंशन लेटर इशू किया है, उसमें बोला है कि रिकमेंडिंग नेम ऑफ प्राइवेट टीचर, आई हैव नॉट रिकमेंडेड, रिकमेंडेशन किया थ्रू प्रिंसिपल और वर्बली DC को इसको बताया भी था कि टीचर ओ उसमें हाँ और इसमें एक चीज़ है, उसमें जो सस्पेंशन लेटर में वो लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ मजिस्ट्रेट और
जो ऑब्जर्वर है उन लोगों को पता है, उन लोगों को कैसे पता होगा? मेजिस्ट्रेट तो, मेजिस्ट्रेट इज सपोज नॉट टू गो इन द रूम, मेजिस्ट्रेट को रूम में जाने का ड्यूटी नहीं है, फिस्किंग करने का ड्यूटी नहीं है, वो तो इन्विजिलेटर का काम है ना, तो मेजिस्ट्रेट कैसे रूम में जाकर पकड़ेगा? वो तो इन्विजिलेटर का काम है, मेजिस्ट्रेट तो रूम में नहीं जा सकते, ना तो कोऑर्डिनेटर जा सकते हैं, ऑब्जर्वर जा सकते हैं रूम में। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वो लोग बोला कि रेगुलर सेक्रेटरी का काम को पूरा, हाँ मतलब ओवरसेट हो गया, वो लोग सस्पेंशन लेटर इशू किया, बोला रिकमेंड नहीं पेपर टीचर, हम तो रिकमेंड नहीं किया। और जिस दिन इन्विजिलेटर का अपॉइंटमेंट 6 जुलाई को हो गया था, उसी दिन इन्विजिलेटर का भी ट्रेनिंग था, उस दिन को मैनुअल दे रहा है कि आप लोग सेंटर सुपरिटेंडेंट को बोल रहे हैं कि आप रिकमेंड करो अपना टीचर का नाम, उस दिन ऑलरेडी सेंटर इन्विजिलेटर का अपॉइंटमेंट चल रहा है उसमें, तो हम तो डीसी ऑफिस को कुछ छुपा के तो काम नहीं किया। डीसी ऑफिस को रिकमेंडेशन जो है कॉलेज का तरफ से किया है, उसमें बताया भी गया इसमें टीचर है डिजिंग विथ डिजिग्नेशन हम दिया है, असिस्टेंट टीचर हम लोग का तरफ से दिया है कॉलेज का तरफ से असिस्टेंट टीचर। कॉलेज में तो असिस्टेंट टीचर नहीं होता है, कॉलेज में होता है असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर। तो डीसी ऑफिस से भी हम क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा है कि इसमें आप लोग का कॉलेज में क्यों असिस्टेंट टीचर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमको सस्पेंशन किया। अभी हम लोग और क्लास चल रहा है, उस दिन आके कोई स्टूडेंट हमको बोला सर आप क्लास नहीं ले रहे, तो हम बोला हम तो क्लास नहीं ले पाएगा, हम सस्पेंशन में। तो रीजन वीजन वो लोग को थोड़ा मोटा बताया, इसीलिए वो लोग स्टूडेंट आज थोड़ा कुछ किया है, इसी के वजह से आज स्टूडेंट थोड़ा अपना वॉलेंटियरली वो लोग कुछ कर रहे हैं कि क्लास नहीं हो रहा है बोल के। और हम तो वेकेशन में चला गया था, समर वेकेशन में हमको डीसी ऑफिस भी फ़ोन करके, प्रिंसिपल भी फ़ोन करके, ये एग्जाम के लिए मेरा माँ जो है बेड रिडन था उस टाइम में, बेड रिडन पेशेंट है, तो उसको छोड़ के हम आ गया एग्जाम वॉलेंटियरी सर्विस करने के लिए, क्योंकि ये तो हम लोग का एकेडमिक्स है, एपीसीएस भी एग्जाम का कुछ लेना देना नहीं है, ये हम लोग का वॉलेंटियरी सर्विस है, ऊपर से हम लोग का समर वेकेशन है। हम डीसी ऑफिस के साथ मेरा थोड़ा कोऑर्डिनेशन अच्छा, वो लोग हमको हमेशा बोलता है रिक्वेस्ट किया है बोल के, हम भी चलो हो रिक्वेस्ट किया इसीलिए हम थोड़ा एग्री हो गए। जेमर काम नहीं किया, जेमर तो उसमें जेमर तो एपीसीएस भी इंस्टॉल किया, जेमर तो हम इंस्टॉल नहीं किया, और उसमें मेरे पास मैनुअल फ़ोन था, उसमें हम कैसे चेक करेगा वेदर द नेटवर्क इज वर्किंग ऑन नॉट। उन लोग एस एस में लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ डिप्टी कमिश्नर, हम लोग का कॉलेज का तरफ से प्रिंसिपल की तरफ से थोड़ा रिकमेंडेशन ही गया है। और अपॉइंटमेंट सबका सेम डे में 6 जुलाई को सबका अपॉइंटमेंट हो गया, और उसी दिन एपीएससी भी जो है उसी दिन सेंटर सुपरिटेंडेंट को ट्रेनिंग में बुला रहा है, इन्विजिलेटर को भी बुला रहा है, और व्हेयरएज एपीएससी भी हमको ऑन द डे ऑफ ट्रेनिंग हमको बोल रहा है कि आप इन्विजिलेटर को अपॉइंट करो, व्हेयरएज उस दिन अपॉइंटमेंट का भी इन्विजिलेटर का भी ट्रेनिंग चल रहा है। और इन लोगों का एग्जाम जो है 21 मार्च में ईटानगर का मोस्ट ऑफ द प्राइवेट स्कूल में हुआ है, गंगागा में हुआ है, बीकेबी में हुआ है, बीआरएस में हुआ है, ग्रीन माउंट में हुआ है, सब तो उसमें फ्रॉम सेंटर सुपरिटेंडेंट टू इन्विजिलेटर ऑल आर प्राइवेट। तो इसमें प्राइवेट टीचर का क्या गलती है इसमें? वो भी तो टीचर है, दे आर ऑल्सो हाईली क्वालिफाइड टीचर, वो तो ऑफिशियली अपना ड्यूटी किया है प्राइवेट टीचर का जगह में, हम लोग का कॉलेज का टीचर होने से एग्जैक्टली सेम ड्यूटी करना था। तो किस गांव से हमको सस्पेंशन किया, नकल पकड़ना क्या मेरा जुर्म हो गया क्या, और हम रिपोर्ट करना मेरा जुर्म हो गया? ये तो अल्टीमेटली बात वही निकलता है कि हम नकल पकड़ा है बोल के हमको सस्पेंशन कर रहा है, अल्टीमेटली बात ऐसा ही होता है। रिकमेंडेशन तो मेरा तरफ से नहीं किया, मैं अपॉइंट किया, अपॉइंट का फुल पावर है डीसी का, अपॉइंटमेंट जो है डीसी किया, मेरा तरफ से तो अपॉइंटमेंट नहीं किया, अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नॉट मी। वो तो इंडिफिनिट पे वो लिखे उसमें नहीं लिखा है कितने दिन के लिए, नहीं मेंशन नहीं किया। अभी हम लोगों का जस्ट सेशन स्टार्ट हुआ है, सिर्फ 40 डेज मिलेगा क्लास करने के लिए। हम लोग का केमिस्ट्री में सिर्फ एक लेबोरेटरी है, उसमें इतना स्टूडेंट, केमिस्ट्री तो कम्बाइंड सब्जेक्ट है, सब में केमिस्ट्री है, सबका केमिस्ट्री है, तो हम लोग को किसी को ये नहीं मिलता है। एक क्लास से निकलता है दूसरा क्लास में जाता है, फिर लेबोरेटरी एक क्लास करके निकलता है सेकंड दूसरा जाता है। तो अभी तो मैंने एक पेपर तो पूरा है स्टूडेंट, हाँ अभी करेंटली 4 फैकल्टी है, तो हमको सस्पेंशन लग गया। अभी तो 2 फैकल्टी है, 3 फैकल्टी है, फिर हम एचओडी है, एकेडमिक इंचार्ज है, एकेडमिक काम को सब हमको करना है पूरा, सब जितना भी साइंस डिपार्टमेंट है सबका काम को हमको करना है, फिर अपना डिपार्टमेंट का काम करना है, प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल कराना है फैकल्टी, कब से गवर्नमेंट को बोल रहा है फैकल्टी देने के लिए, गेस्ट फैकल्टी एटलीस्ट देने के लिए, कि केमिस्ट्री तो बेस सब्जेक्ट है, सबको केमिस्ट्री कम्बाइन है। सेक्रेटरी नहीं, सेक्रेटरी एक्सप्लेनेशन हमको कुछ नहीं किया, दैट इज वो हमको कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया सेक्रेटरी।
हाँ रातों रात हमको सस्पेंशन ऑर्डर इशू किया, तो हमको तो कम से कम एक्सप्लेन करने का तो मौका तो देना चाहिए। वो तो मेरा मेरा तो ये बनता है ना, हक बनता है कि क्या हुआ था एटलीस्ट हम बताने के लिए, हमको तो बुलाना चाहिए था, हमको एक लेटर भेजना था कि सेक्रेटरी एपीसीएसबी जो है और उसी शाम को लेटर लिखता है बाई रिकमेंडिंग एन अपॉइंटिंग प्राइवेट टीचर। हाउ कैन आई एम द रिकमेंडिंग अथॉरिटी, हाउ आई एम द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ वो लोग बोला कि आज ही रात को सस्पेंशन ऑर्डर इशू करो। रात 11 बजे फाइल पुटक कर दे, 1 बजे तक फाइल चलाए, अर्जेंसी